नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था कि अभी वर्क परमिट वीजा दुबई के या विजिट वीजा स्टार्ट हो गए हैं, तो भाई एजेंटों से सावधान रहे हैं। और खास तौर से तो दुबई में बैठ के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं चालाकी के साथ। जी हाँ, तो मैं बता दूं, दुबई पुलिस ने इन पे सख्त कार्रवाई करते हुए काफी लोगों को पकड़ा है जो वहां दुबई में एजेंटगिरी का काम कर रहे थे इनलीगल तरीके से। लाइसेंस किसी चीज का होता है या परमिशन किसी और चीज की होती है, या दुबई में मान लो अबू धाबी में शारजा में इस तरह से बैठ के वो लोग काम करते हैं। आम आदमी को इन चीजों का पता नहीं होता, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको यूएई दुबई से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं बता दूं, दुबई 8 सितंबर, जी हां साथियों, कल की न्यूज है 8 सितंबर को 150 लोगों से वहां के कुछ एजेंट हो सकता है इंडियन है, हो सकता है पाकिस्तानी है, वो 150 लोगों से ठगी करी। अब ठगी किस तरह से करी मैं बता दूं, कुछ न कुछ जुगाड़ करके ऑफिस लेके 2-3 हजार दराम में बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया पे फिर अपना एड कैंपेन चलाते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या फिर और लिंक्डइन पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, इस तरह से वो एड चलाते हैं। हालांकि उन चीज़ों का उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, कोई परमिशन नहीं होती है, लेकिन खास बात यह कि इन चीज़ों पे एड चलाने का भी कोई उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। और वहां पे जो लोग विजिट में जाते हैं या इंडियन लोग हैं वहां, उनसे संपर्क कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनको बड़ा लालच देते हैं, हम आपको इतनी अच्छी जॉब लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपका 2 मिनट में वीजा लगवा देंगे, वगैरह वगैरह करके उनको फाइल चार्ज के नाम से 1000 दुबई दराम से लेके 3000 दुबई दराम तक वसूला गया है। ये चीजें तो प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। जी हां, लगभग 150 लोगों से ये मामला, तो क्या होगा, ये बात पुलिस तक पहुंच गई, सीआईडी तक। जी हाँ, तो उन्होंने सिस्टम बना के, चक्रव्यूह बना के इन लोगों को घेर के पकड़ लिया। काफ़ी लोगों को पकड़ा गया, उनके पास से रसीद, आपको पता है दुबई में आपको एजेंट रसीद देते हैं, ऑफिस में बैठ के एक स्लिप दे देते हैं कि भाई आपके 800 रुपये जमा है, आपके 1500 दराम जमा है, 3000 दराम जमा है, वो रसीदें फर्जी फास्ट फेसबुक वगैरह। काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा, तो वहाँ पर कुछ दस्तावेज जारी हुए, उन लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं थी इस तरह के जॉब लगवाने की, उनके पास कोई जॉब ऐसे थे भी नहीं। लेकिन मैं बता दूं, 1000 से लेकर 3000 लोगों से दुबई दराम तक लोगों से 150 लोगों से ये पैसा वसूला गया, ये उन लोगों को पकड़ लिया गया है। तो आप लोगों को, मेरे को बताने का मतलब यही है, इंडियन लोग भी ऐसा बैठ के वहां पे कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो पे सबूत के साथ में, फोटो के साथ में, मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप भी हैं जो वहाँ लोग यहाँ से जाते हैं, बेचारा पहले तो उनके खाते में पैसे डाल देते हैं, फिर उनको धमकाने के वीडियो भी मेरे मोबाइल पे हैं मेरे पास में। आप लोगों के साथ मैं बाकायदे सब बातें खुल के रखूँगा, ताकि इन जैसे एजेंटों से आप बच सकें। यहाँ वहाँ दुबई में बैठ के इंडियन लोगों को ऐसा मतलब तैयार कर लेते हैं कि उनको लगता है जाते ही ये बंदा जॉब लगवा देता है, फिर वहाँ जाके उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनसे बातचीत नहीं करना, गलत बातें करना, जो वादा करके बुलाते हैं वादा पूरा नहीं करना। ये लोग एजेंट कितना देखिए, कितना शातिर होते हैं, अपने खाते में पैसा नहीं लेते हैं, ये डायरेक्ट उस कंपनी के खाते में पैसा डलवाते हैं जहां से वीजा निकलता है, ठीक है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंपनी कहाँ की है, क्या है, लोगों के पैसे भी लोग ले लेते हैं, उनको नहीं तो कोई वीज़ा दिया जाता है, नहीं उनका पैसा वापस किया जाता है, 3 महीने के वीज़ा के नाम पे ले लेते हैं, 1 महीने का वीज़ा पकड़ा देते हैं। पूरी डिटेल से विथ सबूत यानी एविडेंस के साथ में, आपको पता है भाई मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। और आगे आने वाली वीडियो में एजेंटों की फोटो वीडियो वो भी साथ में लगाऊंगा, ताकि आप चेहरा देख सको कि भाई दुबई में ये लोग भी ऐसा काम वहाँ पे कर रहे हैं, ताकि आपको अगर वो रास्ते में मिल जाए तो आप उनको पहचान सको और उन जैसे लोगों से बच के निकल सको। बस आज की जानकारी यही थी, थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो ओरिजिनल ऑफिस हैं, मैन पावर ऑफिस हैं या कंपनी है, वो ऑफर लेटर पर पैसा नहीं मांगती, ये बात यहाँ पर बिठा के रखें आप। ऑफर लेटर पे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप विजिट में पहुंच ही गए हो तो भैया आप अपने स्तर पे भी जॉब सर्च कर सकते हो, एजेंटों की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, ठीक है। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।